हाई नीज के साथ, अगर आप बिल्कुल बिगनर्स हैं तो, अदरवाइज तो 10 बार स्लो करोगे 10 बार फास्ट करोगे। हाँ ये फैन मत करना, हाँ 10 बार स्लो 10 बार फास्ट। हाँ देख लीजिए अगर आप बिगनर्स हैं, वेरी गुड, बिल्कुल ही बिगनर्स हैं, पैरों में दर्द है तो आप सहारा लेकर आपका वजन 90 किलो है तो सहारा लेकर, फिर इसी के साथ करोगे दूसरा नी टैप, ठीक है। एल्बो टैप के साथ क्या करेंगे, यहां साइड में हाथ रखा और सांस का विशेष ध्यान रखेंगे, सांस को बाहर निकालना है। तुम्हारा उल्टा हो गया, एक मिनट देखना, ए ये है ना, ये ऐसे रखो और इस वाली कोनी से होगा टच, वन एक साथ, टू थ्री, तो इससे बेली फैट भी आपका जाएगा, ठीक है। जिनको टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम होती है वो भी, और लोअर टम भी। यही चीज अगर आप चेयर पे करना चाहते हैं, कुछ लोगों को मैंने चेयर योगा सजेस्ट किया है, तो चेयर पे बैठ के भी सेम वो पोज कर सकते हैं। इधर देखिए राइट हैंड ये गया, और तो जिनका वजन 100 किलो है वो ये ना सोचे कि हम कुछ नहीं कर सकते, ये स्टैंडिंग है, नीट है, ठीक है, चेयर पे दूसरी तरफ से कोई प्रॉब्लम बताइए, ठीक है ना, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ये तो ऐसे आप वार्म अप एक्सरसाइज के रूप में ले सकते हो, ठीक है। लेकिन वजन कम करने के लिए और बेली फैट के लिए, अब हमने पहले तो हमने यहां रखा, अब हम इसको पोस्चर को इंप्रूव करने के लिए ध्यान से देखिए, हाँ पोस्चर को इंप्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले देख लीजिए ये हाथ को यहां रखेंगे, ठीक है, फिर इसमें दोनों को मिक्स मत कर दीजिएगा, वो था ये लेफ्ट जाके ये है, एक तरफ से 15 टाइम्स हाथों को खींचो, जिससे ये आपका शोल्डर लेवल, फ्रोजन शोल्डर इसमें कवर होगा, और जिनका बैक पेन ऐसा हो जाता है, नेक हम्प हो जाती है, उनके लिए। हाँ सांस को छोड़ते हुए, वेरी गुड, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी। हाँ रुक जाओ अभी, ईशिका पटेल का कहना है मैम मेरा 45 डेज में 9 किलो कम हुआ आपकी वीडियोस देख के, क्लैपिंग। अरे भैया जूम पे जितने मेंबर हैं सुन लो सुन लो, 45 डेज में 9 kg, इससे अच्छा तुम छोड़ के ना YouTube पे आ जाओ, YouTube पे ज्यादा सही रहेगा। ये लो दूसरी तरफ से, गॉड ब्लेस यू जी, जो वीडियो से कनेक्टेड होके 45 डेज में 9 किलो वजन कम कर रहे हैं, अमेजिंग, हाँ वेरी गुड, सिक्स सेवन एट। तो सीक्वेंस वाइज आप बिल्कुल एक्सरसाइज ऐसे ही करेंगे, बिल्कुल मस्त एट मस्त रिजल्ट आएगा, सिक्स फाइव फोर थ्री टू बस। इससे देखो कितने कंधे टाइट और एकदम पीछे, ये तो उम्र बढ़ने के साथ साथ ये कंधे ऐसे हो जाते हैं, चाल में भी फर्क आ जाता है, फिर कमर ऐसे झुक जाती है, जो नेगेटिविटीज आती है वो तो मैं बता ही नहीं सकती, क्योंकि स्पाइन पे हमारे चक्र होते हैं, तो इससे हमारा डबल फायदा होता है जब हम कंधों को ऐसे खींचते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज फिर से दोनों हाथों को पीछे, ठीक है। अब इसमें जिनको शोल्डर में पेन रहता है वो पहले कंधों को ऊपर नीचे कीजिए, लक्ष्मी जी कंधों को ऊपर नीचे ऐसे, हाँ आर्म स्टोनिंग के लिए भी यही चलेगा, ठीक है, फ्रोजन शोल्डर के लिए भी यही चलेगा, पोस्टल पेन के लिए भी यही चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, ए हाँ फ्रंट क्रंच, हाँ
जाओ. वेरी गुड. हाँ, जो बिगनर्स हैं वो ये स्लोली करेंगे. अभी इसमें मैं फास्ट भी बताऊंगी, अभी रुक जाइए. तो ये पांच इसका पैकेज है पूरा, जिसको आप सीक्वेंस वाइज करेंगे. बाद में हम म्यूजिक के साथ करेंगे ये एक्सरसाइज को, पहले समझ लीजिए. लेकिन इसमें तुम सेमी जंप कर सकते हो. क्या बात है, ये देख लीजिए सेमी जंप. अब देखिए आपके शोल्डर्स, आपके हैंड्स, बस ये बात है कि जिसको नी में प्रॉब्लम है वो स्लोली, फिर से स्लोली करके दिखाइए. ये देखिए स्लोली में अलग इफेक्ट आएगा. एक हफ्ते से मैं आपको फॉलो कर रही हूँ, बहुत हल्का महसूस हो रहा है. टेल बोन के लिए बता दो. बता देते हैं टेल बोन के लिए, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, पहले वार्म अप करना जरूरी है, तो पहले ये. वेरी गुड, रिलैक्स. 20 सेकंड का रेस्ट. एक एक्सरसाइज और बता दूं, फिर उसके बाद मैं टेल बोन के लिए बताऊंगी. ठीक है, बैली, हिप्स और थाइस तीनों के लिए. हाँ, ये टेल बोन में भी चलेगी, पीछे आपका फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी बिल्कुल. इसमें ध्यान रखिए पैर पीछे जाएगा, जरा आओ. सीधा सीधा मुड़ रहा पैर, पैर मुड़ रहा है. हाँ, भले पैर नीचे रखो आप, लेकिन पैर सीधा. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लेग चेंज. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एक बार और करेंगे. अभी गहरा सांस, एक बार और. 1, 2, 3, 4, 5 सिक्स. उठाते जाओ इस पैर को और ऊपर उठाइए, जैसे जैसे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और ऊपर. भाई जो 90 केजी के हैं और जिनका एज भी 60 है, वो थोड़ा कम उठाएं. अदरवाइज इस पैर को पूरा उठाइए, पूरी फोर्स से उठाइए. 1, 2, 3, 4 चेयर योगा वाले भी बिल्कुल, मैं चेयर पे बैठ जाऊँ, चेयर योगा वाले भी देख लीजिए जरा इधर. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10. तो जिन्होंने टेल बोन के लिए पूछा, एक तो ये एक्सरसाइज जरूर करेंगे, फिर दूसरी तरफ से 1, 2, 3 जो चेयर योगा वाले मेरे को देखेंगे, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कल सिखाई थी, टेल बोन और ये सारे बॉडी को फ्लेक्सिबल करने के लिए कल मैं सिखा चुकी हूँ. जो एक दो नए एडमिशन है उनका देख लीजिए. ये हम किनारे पे खड़े हैं, एक पैर को आगे बढ़ाएंगे. 1, 2 पता है ना, एक जैसा करोगे, तीनों सामने आओ, बिल्कुल एक जैसा करना. हाँ, देख लीजिए पैर की पोजीशन को, देख लीजिए, इनको कल मैं सिखा चुकी हूँ. देखूं कब खराब होगा, अभी तक तो सही कर रहे हो. बहुत अमेजिंग स्टेप है, एक बार जरूर ट्राई कीजिए. आपकी लोअर बॉडी एकदम फ्री हो जाएगी, लोअर बॉडी बिल्कुल फ्री हो जाएगी. ओके, हेयर फॉल हो रहा है तो आपका, आप इसका मतलब हेल्दी डाइट नहीं ले रहे, तो उसके लिए आपको अपनी डाइट में अनार को शामिल करना पड़ेगा और रोज बादाम का दूध पियो. 5-6 बादाम भिगो के उसमें 5-7 मुनक्का ऐड करके उसको मिक्सी में घोल के बादाम का दूध पियो, जिनका भी हेयर फॉल हो रहा है. और साथ में ये आसन करो, अभी बता देती हूँ मैं. बहुत बढ़िया, एक तो ये ठीक है. फिर दूसरा, अभी किसी ने टेल बोन के लिए पूछा और हेयर फॉल के लिए, ये तो थी हमारी वार्म अप एक्सरसाइज. फिर देख लो, दो चीजें मैं बता रही हूँ, दोनों चीजों पर अभी टाइम लगाएंगे. ठीक है, पहले देख लीजिए जिन्होंने टेल बोन के लिए पूछा वो क्या करेंगे हमारा. इधर ये दोनों पैरों को खोलेंगे, ठीक है, और धीरे धीरे क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 अगर पैर ज्यादा नहीं मुड़ता ऐसे भी कर सकते हैं. एक तो ये एक्सरसाइज करेंगे हम 5 बार, ठीक है, टेल बोन के लिए. और दूसरा, जिन्होंने पूछा है हेयर फॉल हो रहा है या स्किन पे पिगमेंटेशन है,
उसके लिए हम मत्स्य आसन करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हाथों को यहाँ रखेंगे, अपर बॉडी को उठाएंगे, पंजों को मिलाएंगे, बिल्कुल मैक्सिमम पीछे देखेंगे। इसको भी हम 3 बार करेंगे। आओ लेटो, अपनी अपनी जगह पे लेटो। पहले टेलबोन के लिए लेट जाइए, बेड पे लेट जाइए। वेरी गुड। जिनको भी टेल बोन में प्रॉब्लम है, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, उन सबके लिए हाँ, दोनों पैरों को खोलिए, बस रोके रहिए, दोनों हाथ सिर के नीचे, राइट पैर मोड़ेंगे, 1, 2, 3, 4, फिर 5, 6, 7, 8, वापिस एक साथ दोनों पैरों को ले आइए, सुप्त बद्ध कोणासन, और अब हल्का हल्का सा घुटने को धीरे धीरे चलाएंगे टेल बोन के लिए। गारंटेड जो हमने वार्म अप एक्सरसाइज बताई है, और उसके बाद यदि लगातार आपने 10 से 15 मिनट इनकी प्रैक्टिस कर ली, हफ्ते में आपको पता लग जाएगा कोई टेल बोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसी में जैसे ये करते करते पैर को मोड़ो और बस, अगर बहुत ज्यादा पेन है तो ऐसे ही रहेंगे, अदरवाइज अगर साइड फैट बेली फैट कम करना है तो उठो, 1, दोनों को ऐसे, 2, 3, 4, 5, 6, हल्का हल्का साइड से, 7, और उठो गुड़िया, 8, 9 and 10, रिलैक्स, दोनों पैर को उधर करो, ये पैर पीछे को, हाँ मिलाओ मिलाओ, दोनों पैर मिलाओ, बस अब चलो, 1 और उठो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स, फिर से बद्ध कोणासन, बस आंखें बंद, गहरा सांस, वेरी गुड। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो टेल बोन के लिए नहीं है, नेक्स्ट एक्सरसाइज टेल बोन के लिए मत समझ लीजिएगा, नेक्स्ट बेली फैट के लिए है। सांस को बाहर निकालते, दोनों घुटनों से कोहनियों को लगाते, खोल के उठाओ, खोल के, 1, ये 2, वेरी गुड, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, शक्ति को बढ़ाने के लिए उत्तान पादासन यहीं से निकलेगा, बस 1, 2, 3, 4, पैर नीचे करो, ये एक ऊंचाई पे होना चाहिए सिर और पैर, उठो और उठो, 3, हाथ छोड़ो, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। अब पता लग रहा है खाना कितना महंगा पड़ सकता है, कितना महंगा बताओ, यूं पसीने बहा बहा के और जरा सा कंट्रोल करके अगले दिन एक्सरसाइज करने का मजा आ जाता है। और तुम जब गेट में से घुसते हो ना, एक सेकंड में चेहरा देख के मैं बता देती हूँ क्या करके आए हो, एक सेकंड में चेहरा देखते पता लग जाता है कैसे बैठे हो। पूरा सेट एक बार और करेंगे, पूरा सेट, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, हाँ पहला स्टेप दोनों पैरों में गैप पहले, हाँ 2 बार, हाँ 1, 2, इसको ना करते हुए जरा स्ट्रेच दो नीचे से, जरा सा थाई जॉइंट्स खुलेंगे, तो आज पद्मासन लगाने की प्रैक्टिस कराऊंगी वही, तो उसके लिए बेस बन रहा है, फिर 3, 4, फिर 5, वो वाला पैर जिससे हम 6, 7, 8, फिर बद्ध कोणासन, बस आंखें बंद, 10 सेकेंड, कोई भी जो छोटे छोटे टिश्यूज जमने शुरू हो जाते हैं वो सब इसी आसन से निकल जाएंगे। हाँ नेक्स्ट, ये थोड़ा ना बताया था, भूल गए, अभी भूल गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
सेवन एट नाइन टेन. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन. दस सेकेंड का फिर से रेस्ट. अब होगा जो तुम बता रहे थे. इसी के साथ वेरिकोज वेन्स की भी बता दूंगी अभी, क्योंकि जब सीक्वेंस वाइज चल रहा है. हाँ, सांस को बाहर निकालते. वन टू थ्री दोनों पैर को सीधा रखते हुए, दोनों हाथों को थाइस की बराबर में. उत्तान पादासन डाइजेशन को इंप्रूव करने के लिए, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए बेस्ट एक्सरसाइज, पेट की चर्बी के लिए. जिनको एनीमिक की प्रॉब्लम होती है, जिनको डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, उनके लिए. शवासन. तो ये 15 मिनट का वर्कआउट घुटनों में गैप ठीक करने के लिए. आपको तरसेम जी, एक हफ्ते का हमारा वो कैंप लग रहा है, मंडे टू फ्राइडे, आप उसको ज्वाइन कीजिए, आपका बिल्कुल 100% ठीक कर देंगे. फुट की फिंगर्स में पेन होता है, बिल्कुल बता देते हैं अभी 100%. हज़ारों पेशेंट ठीक कर दिए जिनको फुट की फिंगर्स में पेन होता है. अरे वाह, तरसेम जी कह रहे हैं इतनी समर्पण भाव, आप हो तो सब कुछ संभव है, क्या बात है. पीसीओएस के लिए, हाँ जी, ये जो अभी बताया था वो पीसीओडी के लिए है. बिल्कुल फुल बॉडी टोनिंग होगी जी रेनू शर्मा जी, बिल्कुल चिंता मत कीजिए. बिल्कुल फुल बॉडी टोनिंग होगी इससे, बिल्कुल चिंता मत कीजिए. कोई हमको हम तो छोड़ते ही नहीं है. जिन्होंने बताया फिंगर्स की में पेन है, वो मैं बता देती हूँ. राइट पैर को लेफ्ट के ऊपर रखो, ये इसके बीच में आना चाहिए, अंगूठे और उंगली के बीच में आना चाहिए आपकी एडी. बस रोके रहो, ठीक है. अब इसे दोनों तरफ चलाओ. वन टू पूरा पूरा थ्री. ये आपकी टेल बोन में भी हेल्पफुल होगी, बिल्कुल 100%. फिंगर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती. फाइव सिक्स सेवन एट नाइन. और जो टोनिंग के लिए पूछ रहे हैं, पूरी लोअर बॉडी की टोनिंग हो रही है, कहीं से थुलथुलाहट नहीं नजर आएगी. अब समोसे खा के करोगे तो जरूर थुलथुलाहट आएगी, है ना. समोसे पराठे तो भाई योग साध रहा है, हल्का भोजन चलेगा. आप ओट्स का दलिया खाइए, मल्टीग्रेन की रोटी खाइए, घी का चीला खाइए, दाल का चीला खाइए, मिक्स वेजिटेबल रायता लीजिए, हेल्दी चीजें खाओ जरा. अब दूसरे पैर से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन. ये तो है सिंपल एक्सरसाइज. देखो जिनको पैरों की उंगलियों में पेन रहता है, लेकिन अगर थोड़ा आप टफ पे जाना चाहते हो, उठो बहुत लेट लिए, खड़े रहो, दीवार का सहारा लो. अगर आप थोड़ा टफ पे जाना चाहते हो, पद्मासन वगैरह जानू शीर्षासन की प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आपको ये पंजों के बल पे ऐसे बैठो. ये मैं मेरे को पता भाई 80-90 किलो के लिए पॉसिबल नहीं है. ये 80-90 किलो है जिनका, वो तो पहले वाली एक्सरसाइज करेंगे जो भी हमने ऐसे वाली बताई है. फिर से मैं बता दूंगी, अगर पैरों में ताकत चाहिए एडी पंजों में, तो आप एक पैर के पंजे पे, अब ये देखिए फिंगर नीचे है बस मेरी, और दूसरा पैर ये, और फिर धीरे से इसमें क्या क्या पिंडलियों में ताकत आ रही है. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन. एक बार ट्राई करो, अच्छा लगेगा है, एक बार ट्राई करो, बड़ा बढ़िया लगेगा. तुम्हारा गुड़िया एक पैर ऊपर रखो. हाँ देखो, जिनका वजन 90 किलो है उनको तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन जो छोटी है जाए, क्योंकि ये भी 30+ है, ये भी 30+ हो गई है. अब हो गई है, पहले 40+ आई थी, लोगों की उम्र बढ़ती है, ये भी 30+ है, तो इनकी उम्र 10 साल कम हो गई, क्योंकि इनके पैर काफी अच्छे मुड़ने लगे, जिनके पैरों में बहुत ज्यादा तकलीफ थी. तीसरे दिन तो इन्होंने हाथ छोड़ दिए थे कि मैं योगा नहीं करूंगी. मैंने कहा आप शांति रखो, आप चेयर योगा करो. तीसरे दिन इन्होंने बिल्कुल हिम्मत हार दी थी कि मेरे से योगा नहीं होगा. मैंने कहा अगर ये इस समय इनका ये निकल गया ना कि योगा नहीं होगा, फिर जिंदगी में कभी नहीं होगा.
और आज वही है कि कल इन्होंने पद्मासन लगा लिया. अमेजिंग. तो अभी भी जबरदस्ती मत करना, सहारा ले लो बस. हो गया तुम्हारा तो बढ़िया हो गया. एक बार और थोड़ी कसाव आ जाती है यहाँ, पूरे पैर खुल जाते हैं भाई. जो ऐसे नहीं कर पा रहे, मैं उनके लिए फिर से दूसरी चीज बता रही हूँ सामने जूम के लोगों को, जो ऐसे नहीं कर पा रहे वो फिर ऐसे कर लें. 1 2 3. तो दो दो चीजें इसलिए बता रही हूँ, अगर आप बेटर है ये करोगे, नहीं कर सकते ये कीजिए. जिनकी काफ्स मसल स्टिफ हो जाती हैं, इसकी स्टिफनेस का मतलब है पेट का हार्ड होना, कॉन्स्टिपेशन होना. तो उस चीज को फ्लेक्सिबल करने के लिए भी चलेगा और ये भी. 8 9 10. इसी पैर को, चाहे आपके पंजों में दर्द है, एड़ी में पेन है, ठीक है, थोड़ा पैर मोड़ो, थोड़ा आगे हो जाओ. बताओ, इधर चला पैर को, उधर चला, उधर कमर मोड़ो, उधर मोड़ो, फिर हिप करो, फिर बैली, फिर एक ये बात समझ नहीं आती कि इतना खाने के बाद घर में कम खाओ. खाते हुए सारी एक्सरसाइज भूल जाते कि जाके जो खाया है वो भी निकालना है और जो ऑलरेडी सरप्लस है वो भी निकालना है. दो काम बढ़ जाते हैं. और घर से तुम हल्का फ्रूट लेके आओगे, कल ऑयल फ्री डाइट लिया तो और आगे की यात्रा शुरू हो जाती है. आगे की यात्रा शुरू करते करते हमें पता ही नहीं लगता 5-7 किलो वजन. फिर इसी में अगर बैठे बैठे करना चाहते हो, जिनसे स्टैंडिंग हाई नी जैक्स नहीं होते, 1. इस बेबी पूरे पैर की स्ट्रेंथ और शेप आएगी बॉडी टोनिंग के लिए. 1. थोड़ा सा आगे हो जाओ क्योंकि बैलेंस लेना पड़ता है ना ऐसे. 1 2 3. पैर सीधा रखो. 4 5 6. थोड़ा बुरी आगे को जाओ, ये सहारा लेके बिल्कुल हवा में छोड़ो. आगे. फिर इसी में कार्डियो पे रशियन ट्विस्ट बहुत मशहूर है. ये इसमें पैर मोड़ भी सकते हैं, सीधे भी, वो आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी. अगर ऐसे बैलेंस होता है उत्तान पर, आप ऐसे भी कर सकते हैं थोड़ा. तो आपने जैसे भी करना है आप कर लो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. फिर इसी के साथ हम मिक्स करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. इसके बाद एकदम कमर को रिलैक्स करने की जरूरत होती है. बैक को बिल्कुल पीछे से सीधा रखते हुए, तो इस बात का ध्यान रखना है कि किसके बाद किसका उपासन क्या करना है. इमीडिएट इसमें हमारी कमर में दर्द हो सकता है अगर आप ये पोज नहीं लोगे. 1 2 3 4 5 6. कमर को बिल्कुल ट्विस्ट कर दो और ट्विस्ट करो. 7 8 9 10. फिर से ऊपर गहरा सांस, पैर सीधे, बिल्कुल पोस्टिकल पेन इससे ठीक होगा. बिल्कुल सीधा, ये कंधे अंदर और अंदर, बाजू पीछे, दूसरी तरफ से सांस बाहर निकालते हुए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. एक बार फिर से. अगर आप चेयर पे भी बैठे हैं तो जिनके घुटनों में दर्द है, जिनकी सर्जरी हुई है, वो बहुत ही प्यारा पोस्चर है. जैसे अभी मैं चेयर पे बैठी हूँ, जूम पे जितने लोग हैं सुन लीजिए. जब भी आप चेयर पे, सोफे पे, किसी भी चीज में बैठे हैं, अगर आप बेड पे बैठे हैं तो ऐसे प्रैक्टिस करेंगे कम से कम 50 times. कितनी बार हुआ है? 50 times. तब ये हल्का सा जो बोल बच गया है ना, हल्का सा हो जाएगा. इसका कम बच गया, इसका काफी कम बच गया. हाँ, करो फिर से करो. और अच्छे से करो मैम, योगा बेड से करो. किससे? योगा बेड से करो. करो करो योगा बेड से करो. जिनके पैर नहीं उठते भारी है, वो योगा बैट या चुन्नी के हेल्प से करेंगे, लेकिन अमेजिंग एक्सरसाइज है. हाँ, बहुत अच्छा उठा रहे हो मीना जी. हाँ, उठाइए उठाइए, ये देख लीजिए आप. हाँ, ये वेरी गुड. उठाइए उठाइए, अपने पैरों का भार तो जरा पता लगे. वाओ, उठाइए उठाइए.
फिर ऊपर नीचे फटाफट ऊपर नीचे हो जाएगी। तो ये 25 मिनट का वर्कआउट है, ठीक है, जिसमें आप योगा बेल्ट की हेल्प भी ले सकते हैं, किसी चुन्नी के हेल्प से। वैसे जो बीच की गायत्री जी कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही हैं, बढ़िया। लेकिन जिनकी पैर सीधे नहीं होते उनको पहले बेल्ट से 30 से 40 दिन बेल्ट से प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है, उससे उनकी नाभि के नीचे जो चर्बी जमा हो गई है वो होगी, फिर आप बिना बेल्ट की सहायता से ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो इन्हीं एक्सरसाइज को यदि डिटेल से जानना चाहते हैं तो ठीक है, हमारा 5 दिन का शिविर ज्वाइन कीजिए, मंडे टू फ्राइडे इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। पैर नहीं उठते तुम्हारे हैं?